वो यार तुम्हें इधर जाके दिखाऊं, मैं एक दिन गलती से चले गए थे इधर, वो ट्रैफिक नो दिस नहीं इधर नहीं आगे यार, बच्चियां नहीं कॉल करना ना, बड़ा डिफिकल्ट है। They're the same size. They're just brand new. यार मैं अभी गाड़ी वापस करूंगा और जाके देखेंगे। No. I'm telling you, no, don't. ये वाले कर रही है, मैं ये वाले कर रहा हूँ, बात नहीं कर। तू पुत्र मरना नहीं जिन्हें करके मैं वापस जाके उसे तेरे चेक नहीं करवाऊंगा। मैं चेक कराऊ, मैं तो उधर गया हूँ। यार ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है इस कंट्री में, पता क्या आपको जुमे के लिए नमाज के लिए टाइमिंग मिलता है। लफंडर क्या ही लगता है पुत्र, है ना? टोपी ऐसे पहनी है इसने, है उल्टी सी। तो मुझे एक चीज़ बड़ी स्ट्रेंज सी लगी थी, वो याद है वो एक वो एंड में जो जो पार्क है जहाँ पे वो एंड में जो घर था बहुत बड़ा, लाइक वो होगा कोई होगा एटलीस्ट भी होगा तो वो 3-4 कनाल में होगा अगर पाकिस्तान के हिसाब से। तो वहाँ पे वो जब वो सेल आउट हुआ था, नया ही सेल आउट हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है देसी किसी ने लिया था, पाकिस्तानी शायद होंगे। वो बाहर वो औरत झाड़ू फेर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, यू रिमेंबर दैट? Yeah, I saw. It's the one near the park. एंड में था जो उनको, मतलब आई वॉज सरप्राइज के यार इतना बड़ा घर है, राइट? और वो देखो यार लेडी जो देखो बिल्कुल मतलब ना यू नो शी वाज झाड़ू से साफ कर रही थी, और झाड़ू भी वाकई वो पाकिस्तानी झाड़ू था, बोलो इतनी जैसे वो जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते थे, तकरीबन मैं कहना 10 गाड़ियाँ तो पार्क हो जाती थी उस बाहर, वो जो घर के बाहर जो है तो ड्राइववे में, उस एरिया को वो झाड़ू के साथ साफ कर रही थी। तो ये देखो ना ये सिंपलिसिटी है भैया। और इसी बात अलविदाई जुमा है आज, अलविदाई जुमा पता किसको कहते हैं? अलविदाई जुमा फॉर रमजान, जो लास्ट जुमा होता है ना रमजान का, उसको अलविदाई जुमा कहते हैं। आज भी अच्छा खासा होगा। आई थिंक वी नीड टू पार्क द कार लिटिल बिट फार। कटिंग करवाने जाना आज? ओ ईद है मामा, परसों संडे को tomorrow? टुडे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम वो आज वो है भी ना खुद में कुरान भी है जरा अच्छा, यू नो चलो सही है, चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं यार। तो और स्कूल कैसा है? गुड। इज दैट द सेम बॉय? नहीं वो हमारे वाली नहीं, मॉडल ओल्ड है, वो बहुत ओल्ड मॉडल। ओह नो दैट्स द सेम बैक यहाँ पे ऐसे भी डैड्स हैं जैसे वो उनको ये भी नहीं पता होता कि यार मेरा बेटा है किस क्लास में, am I right? तो ऐसा नहीं है, अपने जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो अटेंड करनी पड़ती है पेरेंट्स को, उससे बड़ा पता चलता है अपने बच्चों की प्रोग्रेस। और मेरे ख्याल में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है कि दोनों पेरेंट्स फादर और मदर दोनों को जाना चाहिए, और अगर कोई छोटे बहन भाई है साथ भी ले उनको भी ले जाओ, उन्होंने भी तो आखिर उस स्कूल में जाना है ना नेक्स्ट, तो उनको भी ज़रा एनवायरनमेंट पता चल जाता है। और जिस बच्चे के लिए आप जा रहे हो पता करने के लिए, जैसे बस फॉर एग्जाम्पल मोइज़ के लिए हम जाते हैं, ठीक है, या तुम्हारे लिए मोइज़ के लिए ले सकिए, ठीक है, उसमें ये एडवांटेज होता है कि वो जो दूसरे बच्चे होते हैं ना, या उस बच्चे को भी जैसे मोइज को पता है यार माय पेरेंट्स केयर फॉर मी, राइट, मेरे पेरेंट्स मेरी फिक्र करते हैं, फिर हमें जब वो पता चलता है ये चीज़ वो इज़ यू नो ही नीड्स हेल्प इन दिस वन, इसमें हेल्प की चाहिए, तो हम उसको करते हैं। हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी पेरेंट टीचर मीटिंग, नो, हमारे टाइम पे जो है ना वो टीचर जो है ना अच्छी तरह फेंटा लगा के ना फेंटी माइट बी, हमारे टाइम पे ये होता था कि वो जो जो स्टूडेंट होता था ना वो पेरेंट टीचर मीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, कंस्ट्रक्शन हो रही हो, हमारे टाइम पे वो पेरेंट टीचर मीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो
यू नो उसमें फिर इससे निकलूँ मैं जरा बाहर चलते सेल कर लो, साइड तो है हमारे पास, उसमें साइड में ना और सेल करो। क्या सेल करता है वो? और फिर आज खत्म कुरान है, आखिरी जुमा भी यार, फ्राइडे रमजान का इसका गया यार, ऑलमोस्ट जुमा पढ़ लिया हमने। यार ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है इस कंट्री में, पता क्या आपको, जुमे के लिए नमाज के लिए टाइमिंग मिलना। लफंडर क्या ही लगता है पुत्र, है ना, टोपी ऐसे पहनी है इसने, है उल्टी सी। Really? Yeah. Oh, I'm gonna get it. First car. Which year? 1990? Probably like a 2008. Oh, yeah. I'm probably gonna get old Audi. Yeah, अच्छा शुरू में जरा old सी गाड़ी लेनी चाहिए। Like a 2010. Yeah, let's say. I won't get anything. You get a license in 2000. Let's say 23. Yeah. 22 साल के एंड में. और 24 मैक्सिमम। तो आप जो गाड़ी परचेज करो मैक्सिमम 2010, तो उससे कम की गाड़ी जो परचेज करो वो बिल्कुल डोंकी वाली गाड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप। और गाड़ी जो है वो ज़रा वो पक्की सी अच्छी सी लेनी चाहिए, जैसे जर्मन गाड़ी लेनी चाहिए, ताकि वो अल्लाह ना करे वो नहीं नो लास्ट लॉन्ग होती है। और मेंटेनेंस उसका यार देख के लो तुम, अच्छी तरह चेक करके लो। जापानीज़ कार्स तुम्हारे वो दोनों कोर्स है ना, वो गाड़ियों के दोनों कोर्स ही है ना, बहुत ईयर्स लिए है ना आगे, है ना, ऑप्शनल तो नहीं है ना, वो मैंडेटरी है ना हमने लिए, तो वो अच्छा कोर्स है, वो तुम्हारे इंटरेस्ट का है ना, तो इधर जा रहे हैं यार, तुम्हारे इंटरेस्ट का है ना वो, जो बैगिंग करते हैं ये प्रोफेशनल है पुत्र, वो जो रोड पे मांग रहे हैं, ये भी काम इधर वाला शुरू कर दिया इधर भी। My teacher actually encountered this, and at night, it was actually a man. He was begging for money during the day, and then when around like 12 o'clock at night, when like the roads are empty, he would go back. And you know what car he had? He had a Lamborghini. Oh, beggar ke paas? Yeah. He had a Lamborghini and he had like a big house. A big house. Usne usko chase kiya bande ke teacher ne. The teacher like dekh le jnab idhar bhi faqeer kitne ameer hai. Ye jawan bata raha hai ki he said that my teacher said it wasn't here. It was in US? Somewhere. I think US. The US and Canada are kind of similar. और नहीं, यूएस की जो मार्केट है ना एज़ कम्पेयर टू कनाडा जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो उसमें ये भी है, लेकिन जो लाइफ है ना, आई पर्सनली फील अगर आपने जो मतलब जो इस्लामिक यू नो और रेसिज्म जो है यहाँ पे ज़रा कम है, तो वहाँ पे ज़रा काफ़ी ज़्यादा है पुत्र, गन कल्चर काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, है तो यहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा है ज़रा, वहाँ पे ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है।
अक्सर आपने न्यूज़ में नहीं सुना होता कि वो अच्छा जी फलाना कर दिया, वो फलानी जगह पे शूटिंग हो गई, फलानी जगह पे शूटिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी उस तरह है लेकिन कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। Houses here are good too. ये बड़े घर हैं यार, बहुत बड़े घर हैं, मेंशन्स हैं। ओए अग्गे पुत्र मेंशन्स हैं ये, क्या बात कर रहे हो यार? Mansions are like near the school. वो जो हमारे घर के पास है? Yeah, those are mansions. ओ यार तुम्हें इधर जाके दिखाऊं, मैं एक दिन हम गलती से चले गए थे इधर। वो को ट्रैफिक में। No, these are same size. ओ नहीं इधर नहीं आगे। यार अब बच्चियाँ भी कायल करना ना बड़ा डिफिकल्ट है। यार मैं अभी गाड़ी वापस करूँगा और जाके देखेंगे। I am telling you, no, don't. ये वाले घर नहीं है, मैं ये वाले घरों की बात नहीं कर रहा। तू पुत्र मरना नहीं जिन्नी देर के मैं वापस जाके उसे तेरे चेक नहीं कराऊंगा। मैं चेक कराऊं, मैं तो उधर गया हूँ। ओ वो ही मैं कह रहा हूँ, वो फोर गैराज वाले हैं यार, वो आगे जाके, नॉट इन द बिगनिंग। हाँ ये अब इसने बात सही की है, यहाँ पे वो ही है, आगे जाके वो है। वो उन्हें गेड़ा ना करा सानू, असी मैं इस रोड की बात कर रहा हूँ, डेरी डूरी की नहीं बात कर रहा। वो वाले तो यार वो तो बहुत वो बड़ी लॉट्स हैं यार, वो तो बड़े चार चार कनाल के घर हैं यार, बल्कि चार कनाल से भी शायद बड़े हैं। वो काफी बड़े हैं, उनके शायद 8 से भी ज्यादा गाड़ियां आ जाती हैं। और मुझे एक चीज बड़ी स्ट्रेंज सी लगी थी, वो याद है वो एक वो एंड में जो पार्क है जहाँ पे वो एंड में जो घर था बहुत बड़ा, लाइक वो होगा कोई होगा एटलीस्ट भी होगा तो वो 3-4 कनाल में होगा अगर पाकिस्तान के हिसाब से। तो वहाँ पे वो जब वो सेल आउट हुआ था, नया ही सेल आउट हुआ था, फिर मुझे लगता है देसी किसी ने लिया था, पाकिस्तानी शायद होंगे। वो बाहर वो औरत झाड़ू फेर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, यू रिमेंबर दैट? या इट्स द वन नियर द वो एंड में था जो उनको, मतलब आई वाज सरप्राइज के यार इतना बड़ा घर है राइट और वो देखो यार लेडी देखो बिल्कुल मतलब ना यू नो शी वाज झाड़ू से साफ कर रही थी और झाड़ू भी वाकई वो पाकिस्तानी झाड़ू था, बोलो इतनी जैसे वो जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 10 गाड़ियाँ तो पार्क हो जाती थी उस बाहर, वो जो घर के बाहर जो है तो ड्राइववे में उस एरिया को वो झाड़ू के साथ साफ कर रही थी। तो ये देखो ना ये सिंपलिसिटी है भैया, गैराज से शुरू हो गए हम भी यार लगा ही लें गैराज से नीचे जो बहुत स्टफ पड़ा हुआ है बेसमेंट में। और क्या बात कर रहे हो यार, इतना अच्छा अच्छा स्टफ है हमारे पास, हमारी रिमोट कंट्रोल गाड़ियां सेल के लगा देते हैं। कौन सी वो बड़ी वाली? आज ड्रोन चलाएंगे यार ड्रोन चला के ना छत देखनी, छत कितने पुत्र लीक तो नहीं कर रही, मैं क्या कह रहा हूँ वो लीक हो, वो बाथरूम के ऊपर से तुम्हें पता नहीं वो ड्रॉपे वो थोड़े स्पॉट से नजर आ रहे हैं छत पे, वो अल्लाह ना करे कोई लीक हो गया पुत्र तो चेक किया, लेकिन यार एहतियातन एक बार चेक करवा लेना चाहिए। चले जनाब जुमा पढ़ लिया हमने, जवान हम सारे पढ़ने गए हुए थे, ये बड़ा जवान और मैं वो यार उसके पता नहीं क्या है यार उसका यही चक्कर रहता है, वो मोस्ट लाइकली वो गाड़ी पुत्र वो लेडी की है किसी, आपको पता है ना लेडी की गाड़ी हो अगर आप वो गैस टैंक ओपन छोड़ दे तो उसका वो वाला
ठीक है, मेन जो वो आगे तो जस्ट उसको ओपन ही करना होता है ना, लॉक नहीं है। ठीक है, चलो जनाब, जुमा जो है ना वो मिस नहीं करते बेटा, और जुमा जो है स्पेशली जो रमज़ान के जुमे हैं, जो ये लास्ट जुमा जो होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आखिरी एक किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है अल्लाह से बैग करने की कि अल्लाह हमारे जो गुनाह हैं, जो हमारी सिंस हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दी। ओके जनाब, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, मुझे, मेरे घर वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।